गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी गाइस, मैंने मोबाइल उठा लिया, मॉर्निंग हो चुकी है, हम करेंगे नाश्ता और यहाँ से करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग का आगाज। तो जी आज मैंने करनी बोल, अभी अनमता मुझ सुबह छत पे भी आए हैं, उनके साथ मस्तियाँ भी करनी और दिखाना है उनकी एक्टिविटी, क्योंकि वो तो मेरे हिस्सा बन गया ना, मेरे व्लॉग का पार्ट बन गया, इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको लिए बगैर मेरा व्लॉग मेरे लिए भी अधूरा है और आप सबके लिए भी। तो जी गाइस, अभी आज मैंने करना है डिवाइडर साफ, डिवाइडर की क्लीनिंग करनी है। ऐसा लग रहा है सालों से साफ नहीं करा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इतना गंदा हो कैसे सकता है, तो इतना गंदा कैसे हो गया। फिलहाल हम इस सदमे से निकलते हैं, हम आगे की सदमे की तरफ, सदमा नहीं नॉट सदमा। तो जी गाइस, और मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करूँ, पिछले ब्लॉग में आपने कबाब देखे थे उसकी रेसिपी मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो इस ब्लॉग में मैं वो रेसिपी भी शेयर करूँगी कि आपके अगर किसी के चंदे बोलते हैं, किसी के आलू की कतलियाँ बोलते हैं, किसी के मतलब मुझे नहीं पता, हमारे तो आलू की कतलियाँ कहते हैं, वो बच गई थी तो कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने दिमाग लड़ाया और मैंने मटर मंगवाया और उसके साथ मैंने बनाया अपने कबाब। इतने मज़े के बने हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे कि या होते हैं, मतलब कतलियाँ बनी थी, आपको पता था कतलियाँ, उसको संभालना तो ले, वो सब चीज़ आपको आगे पता लगेगा, अभी बता दूँगी तो आप लोग में क्या देखेंगे। खैर, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और मस्तियाँ भी करेंगे, नाश्ता करते हैं फिलहाल, हम अभी चलकर उसके बाद आपसे बात करते हैं। राव अपना ड्रेस दिखाओ इधर, इतने प्यारे लग रहे हैं मुस्तफ़ा आज। अनमता आप भी दिखाओ, आप क्या कम लग रहे हैं किसी से, आप तो हीरोइन है हमारी और ये तो हमारे हीरो हैं। बहुत प्यारा लग रहा है मुस्तफ़ा आपका सूट, थैंक यू कौन बोलेगा, वेलकम। काय गए अनमता मुस्तफ़ा, ये और हो ही नहीं सकते, अनमता ने वाइटो सारा निकाल दिया, ये देखिए सारे लो। कपड़े देखो, ये देखो बेटा आज तो मम्मा से पिटाई पक्की है, ये क्या करा, क्या छोड़ दो, मेरे पे भी आए, देखो मेरे रोबट्टे पे भी आए, जल्दी भाग जाओ। अब बेटा सितारा ने व्लॉग देख लिया, अब तो पिटोगी तुम्हारी। हाँ हाँ बना ली, अब देखो यही आबिद भाई को दिखाऊंगी, देखते हैं आबिद भाई भी मेरा व्लॉग, अभी तुम देखो आबिद भाई को मैं बताऊंगी। गए कैसे दूसरी छत पे, बताओ जल्दी से, मना किया ना उनकी छत पे जाने को, जल्दी से बोल दो पापा को, अब नहीं जाऊंगा, यहाँ देखकर बोलो कैमरे में, बोलो अपनी सॉरी आबिद भाई, सॉरी कर लिया, अब मुस्तफा नहीं जाएगा, मुस्तफा दूसरी छत पे कूद गया था, अगर आपके टांग में लग जाए, कुछ हो जाए, अल्लाह, अपनी छत इतनी बड़ी छत है, अपनी छत कम पड़ रही है जो दूसरी छतों पे जा रहे हो, ये हमारी छत ही तो है, वो हमारी नहीं है, वो किसी और की छत है, किसी और की छत पर नहीं जाते बगैर परमिशन के, अब नहीं जाना ठीक है, पापा व्लॉग देखते हैं ये, लेकिन आप वो इग्नोर कर लीजिएगा, इग्नोर करिएगा, ये देखिए मतलब बिल्ली कहाँ बैठी हुई है यार, आई कांट बिलीव दिस, बिल्ली को तो देखिए, ओह माय गॉड, मुस्तफा सामने बिल्ली को देखो, बिल्ली कहाँ चढ़ी हुई है, वो देखो हुई। तो जी गाइस देखिए, ये हालत आप चेक करें कि क्या हो रही, अब हमने इसको सबको समेटना है और बिल्कुल साफ करना है, तो चलते हैं हम अब अपनी सफाई की तरफ, लेट्स गो।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि हमें पता लगा बड़ी में हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये पूछ कर भी आऊँ। और जी डिवाइडर मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, बस एक पोर्शन रह गया, वो भी मैं साफ जब लाइट आएगी अब तब करूँगी। फिलहाल अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे चलकर फिर बात करते हैं। हाय मुस्तफा, नंगे पतंगे मुझे माफ कर दो, इनकी हरकतें ओए होए, लो लो मेरी उंगली सितारे। उंगलियां तोड़ दोगे? हाँ आप तो आएंगी? आऊंगी। ये देखिए गाइस, और हम तो लॉन जी गाइस, हमारी चाय बन चुकी है, अब हम इसको खाएंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये तो साफ हमारा हो गया, अब हम आगे चलते हैं।
तो जी गाइस, हमारा डिवाइडर हो गया था कंप्लीट, क्लीनिंग हो चुकी थी, तो वो मैं आपको दिखाई चलें जी। अब चलते हैं हम अपनी कबाब बनाने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मटर और गाजर को बॉईल कर लेना है, और हम बेसिकली बना रहे हैं, हमारे पास बची थी कतलियाँ, तो उसके मैंने सोचा कि मैं कबाब बना लेती हूँ। वो कैसे बनेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपने मटर और गाजर को बॉईल कर लेना है। बॉईल हमारे हो चुके थे, देन उसके बाद ये आ गए हमारी कतलियाँ जो ओवरनाइट हमारे बची थी। तो हमारे घर में कोई खा नहीं रहा था, मैंने दिमाग चलाया और सोचा कि इसके हम बना सकते हैं कबाब, वेजिटेबल कबाब। तो आपने इसको पहले साल, ये सालन वाली ही है, मतलब खुशक जो होती हैं वो, आपने सबसे पहले इसको मैश कर लेना है। देन इसमें आपने बॉईल गाजर और मटर डालना है। मटर डालने के बाद इसमें ज़रा सा भी पानी ना जाए, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि गीले हो जाएंगे तो फिर वो बनने कबाब नहीं बनेंगे हमारे। फिर उसके बाद आपने इसको मैश कर लेना है, गाजर और जो हमने मटर डाले थे और जो आलू की कतलियाँ थी, मतलब आलू कह लें उसको, आपने उसको मैश करने के बाद उसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ना हो आपके पास तो आप डाल सकते हैं मैदा, दोनों जो टोटली आपकी चॉइस है। तो मैंने तो कॉर्नफ्लावर भी डाला था और मैदा भी डाला था। फिर मैंने सोया सॉस डाला एंड सिरका डाला थोड़ा सा, और स्पाइसेस में मैंने शामिल करी इसमें एक हरी मिर्चे, देन कुटी हुई मिर्चे, नमक हसबे जायका काली मिर्चे और जी नमक। तो आपने ये सारे स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग टू स्पाइस डाल लें, उसके बाद आपने इन सबको मैश कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम बनाते हैं इसके कबाब। ये देखें कितने मज़ेदार, आपको यकीन हो रहा है कि बची हुई कतलियों के हमने कबाब बनाए, नहीं ना। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। सबसे पहले आपने एक अंडा ले लेना है, उसको फेंट लेना है, और जी हमारे कबाब बन गए थे। फिर मैंने इसको फ्राई करा, देखें आप कितने मज़े के हो रहे हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स वाली जो क्लिप्स थी वो हो गई थी मुझसे डिलीट, तो आप अंडा लगाकर ये देखें, ये आ गए हमारे ब्रेड क्रम्स वाले, और इस साइड है हमारे कबाब वो अंडे वाले, तो दोनों देख रहे हैं कबाब हो गए हमारे रेडी। गाइस ये था मेरा व्लॉग, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और डिवाइडर भी हमारा हो गया क्लीन। मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे घर में काम वगैरह हो रहा है तो फिलहाल मैंने भी साफ कर लिया। मैंने बोला मैं ही साफ कर लेती हूँ, क्या हुआ तो कुछ नहीं होता। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं आपको रखूँगी, और अगला कबाब की रेसिपी। हाँ जी गाइस, तो मैंने आपके साथ ये कबाब की रेसिपी भी शेयर कर दी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मतलब आपके यहाँ अगर बच जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ कतलियाँ बनी हों, अगर आपके यहाँ बच जाए तो मतलब आप इस तरीके से कबाब बना सकते हैं। मैंने दिमाग लड़ाया और मटर मंगवाया, मैंने सब करा तो बहुत मज़े के बने थे। आप ब्रेड क्रम्स के साथ भी फ्राई कर सकते हैं और अंडे के साथ भी, दोनों से दोनों के ही मज़े, दोनों के साथ ही अच्छे लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे, तो मैंने सोचा रेसिपी शेयर करूँ। तो जी बस यही करते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़।